अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है ये, सुष्मिता मुखर्जी जी हैं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उनके साथ एक ट्रैक चल रहा है जो कि हमारी मौसी जी हैं, जो यहाँ पर बड़ा मिस्टीरियस सा उनका बिहेवियर है, और सारे लोग हम लोग डर रहे हैं कि वो घड़ी में तोला घड़ी में मासा हो जाती है मौसी जी। तो अभी उनका बक्सा जो है ना, बड़ा मिस्टीरियस बक्सा है, कोई किसी को खोलने नहीं देती। और अभी सीन में ये है कि बक्सा जो है, मेरी धर्मपत्नी जो है, जो अम्मा जी बोलते लल्ला की अम्मा, वो उसको जो है ना पेट में जो है ना, वो इतना रहता है नहीं, वो बक्सा खोलती है, और बक्सा खोलती है जैसे डर जाती है। बक्से में जो है ना एकदम क्या हड्डियाँ वड्डियाँ है, तो एकदम हम सब सारे लोग डरे हुए हैं। मेरा कैरेक्टर जो है ना बड़ा, मतलब बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर जैसे दिया बाती और तू सूरज में से, वहाँ तो मैं 75 ईयर्स का हो गया हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एज खेल रहा हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, मतलब जो है ना, और एक्टिव हो गया, और मैं काफ़ी दिनों के बाद आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहा हूँ। हालांकि इसके पहले थिएटर में काफ़ी कॉमेडी की थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ का पेस, यहाँ का सारा चीज़ मेंटेन करना, और हर हर क्षण कॉमेडी दिमाग में रखना, ये मेरे लिए बहुत दिनों के बाद एक नया एक्सपीरियंस रहा है। और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बड़ा लवेबल कैरेक्टर है, और वो सब कैरेक्टर जो है आसपास जो है ना, उसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, सारे लोग बहुत इन्वॉल्व है, और ये चाहता है कि वो लोग फंस जाए और उसके वो मज़े लें। मज़े लें मतलब, वैसे भी लाइफ में जो ना होता कुछ नहीं है, वहीं की वहीं चीज़ें इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मराठी में, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो चाहता है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है, अगर परेशानी नहीं है तो फिर ज़िंदगी का क्या मज़ा है। इसलिए परेशानी होनी चाहिए, और इसलिए हमें बड़ा मज़ा आता है वो एक्सपीरियंस एक्चुअली। क्या हाँ, बहुत मैंने बच्चों के लिए काफ़ी, मतलब एक जस्ट मोहब्बत था उसके पहले, पर ये दो सीरियल काफ़ी फेमस हो गए, और मैं बच्चों में, जो कि आज बहुत बड़े हो गए सारे, तो उनके इमेजिनेशन में, उनके नॉस्टैल्जिया में मैं हूँ, और मुझे बहुत ही इस बात का क्या बोलते फ़ख्र है, और फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि लोग मुझे जो है ना अपने बचपन के उनके दुनिया में, जो उनकी स्पेस में मैं हूँ कहीं, तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और वो भी मिलते हैं वो सोनपरी के रेफरेंस देते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी एक काइंड ऑफ जो है ना, उसी का एक्सटेंशन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक चाइल्ड इंस्टिंक्ट होती है जो कि मेरे में कहते बहुत ज़्यादा है, तो मैं लाइफ को, मेरा अप्रोच भी वैसा ही है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। और जैसे सोनपरी में आया था, और जैसे जस मोहब्बत में आया था, और यहाँ भी आता है, यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर से मेरे जो है ना छोटे बच्चे, अभी तो तुम लोग बड़े हो गए, और मेरे दूसरी एक जनरेशन आ रही है, जो मुझे जो है ना अभी टीवी वीवी में फॉलो कर रही है, तो उनके साथ भी, मतलब उनके उनकी इमेजिनेशन में, उनकी दुनिया में मैं होऊंगा आज से 10-20 साल के बाद, मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता ऐसे है। ही प्यार देते रहिएगा। मैं काफ़ी मतलब अटैच्ड रहता हूँ आपसे, मतलब बहुत, मैं बहुत ध्यान से मतलब आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, जितना भी मेरे पास है मैं देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लाइफ के बहुत सारे फालतू टेंशन भूल के जो है ना एक ऑब्जेक्टिव ली देखे लाइफ को। ऑल द बेस्ट।